और दोस्तों क्या हाल चाल है। तो मैं सबसे पहले एक माइक लेने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि कोशिश नहीं करता, मैं सोच रहा था कि ऐसा माइक होना चाहिए जो मेरे पीसी पर फिट हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से काम करे। तो मैंने ऐसा माइक ढूंढ लिया और वो माइक मुझे मिल गया, तो मैं उस माइक का रिव्यू शेयर करने वाला। इस माइक को मैंने बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो कोई और अगर यूट्यूबर हो तो इस माइक का यूज़ कर सकता है। बेसिकली मैंने इसे मोस्टली लिया है पॉडकास्टिंग के लिए और स्टोरी टेलिंग के लिए, साथ ही साथ आर्ट, थोड़ी आर्ट पार्ट बना लेते हैं, आर्ट पार्ट के लिए लिया। वैसे लिया तो मैंने इसे पॉडकास्टिंग के लिए लिया। तो इस तरह के बॉक्स में आपको मिलेगा, ज़्यादा कोई इस पर स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, और ये कुछ इसके अंदर हमें इस तरह का बॉक्स देखने मिल जाता है। और मैं बिना एडिट कर बना रहा, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो हो ना थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो, मतलब ऐसा ना लगे कि आपको भाई मैं इस चीज़ का थोड़ा रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं किसी भी तरह का किसी भी प्रमोटिंग से रिलेट नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि दुनिया को जेन्युइन रिव्यू मिले, असली रिव्यू मिले और नकली नहीं। इसके साथ में कि मैनुअल भी मिलती है और इस मैनुअल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इसके साथ हमें भैया मिलता है, एक मिलता है हमें इसके साथ, जैसे यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है टेबल क्लिप, जो कि काफ़ी अच्छी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसका सेटअप बेसिकली कर लिया है, सो हियर इज इट। मैं ज़्यादातर वीडियो ऐसे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा प्रोफेशनलिटी में घुस जाऊँ, एकदम डीप टाइप हो जाऊँ, एडिटिंग मारूँ, फिर आपको दिखाऊँ। और भाई देखो, पहले मैं बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े पहन लूँ, उसके बाद फिर मारूँ चेन वेन डाल लूँ, फिर कहूँ अब देखिए आप। तो भाई बेसिकली मैं सोच रहा था कि मुझे प्रोडक्ट दिखाना है, खुद को थोड़ी दिखाना है, तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर हमें मिलता है, इसके अंदर हमें 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 और पूरे 11 सामान मिलते हैं, जिसमें कि एक टेबल क्लिप है, शॉक माउंट है, डेस्कटॉप माइक है, यूएसबी माइक है, माइक्रोफोन है, पॉप फिल्टर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, विंड फोम है, माइंट माउक है, माइक माउंट, पेपर ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, कल इलेक्ट्रिकल का पेपर है, बीटेक का स्टूडेंट हूँ मैं, 3 से 8, 5 अडेप्टर है, थ्रेडेड माइक रिंग है, जिसका प्रोफेशनली कोई काम नहीं है, अच्छी पैकेजिंग में मिल जाता है, इतनी भी अच्छी नहीं। इसके साथ देखो, ये तो रास्ता ट्राई, मैं कैमरा बदलने वाला हूँ यार, इसे कटिंग मत समझना, मैं कोई वीडियो कट वट करके नहीं दिखा रहा हूँ, पर मुझे कैमरा बदलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ और आप माइक नहीं देख रहे हैं, और आप मुझे थोड़ा ना देखना चाहेंगे मैं इतना सुंदर तो हूँ नहीं। तो ये हम दोबारा आ गए, साले कैमरा ख़राब है, इसके अंदर फंक्शन नहीं है एक्चुअली ये करने का। तो भाई ये रहा इसका माइक, जो कि इसके पीछे आपको लगा हुआ माइक, मतलब माइक नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं जान में हूँ थोड़ा सा। तो भाई ये क्या बोलते हैं इसे, स्टैंड है, इसे ना थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे करके इसमें माइक लगा लो और इसे टेबल पर रख लो, इतना छोटू सा स्टैंड है साले, तो इस पर क्या बोलोगे तुम यार, मान के चलो ये मेरा लैपटॉप है और ये मैंने रख दिया यहाँ पे, क्या फ़ायदा हो रहा है इसका, मैं इसको कुछ फ़ायदा समझा नहीं है। तो कुल मिला के समझ लिया, इसके ऊपर आप एक काम कीजिएगा, इसे ना कैमरा स्टैंड बना लो, इसके ऊपर कैमरा रख लेना, भाला हो जाएगा आपका भी। और ये भैया, ये इसकी मैनुअल है, इसका नाम है इन्फिनिटी टेक्नोलॉजी टीबी ब्ला ब्ला ब्ला, चाइनीज़ में लिखा थोड़ा सा। और ये आप इसे ऐसे, अरे यार साले इतना महंगा फ़ोन लेके भी कैमरा इतना गंदा दिया। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, और दिखता ही है यार, देखो ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तुम ये मत समझना कि वीडियो क्वालिटी ना, मैं भी बहुत फैंसी वीडियो बना सकता हूँ इसे एडिट करके, आपको यहाँ पे माइक पे घूम कर बैठ कर दिखा कर, या तो फिर चश्मे लगा कर, मेरे पास चश्मों का भी अपना अलग कलेक्शन है, मैं चश्मे पसंद करता हूँ यार, मॉडलिंग का भी काम कर चुका हूँ मैं, तो मैं थोड़ा अजीब दिख रहा हूँ, तो बुरा मत मान यार, मैं अजीब दिख नहीं रहा हूँ, अजीब हूँ। ये देखो कलेक्शन, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ एक प्रीमियम ग्लासेस का कलेक्शन। तो मैं यार ऐसा मत समझो कि फैंसी वीडियोस नहीं बना सकता, बना सकता हूँ, पर क्या फ़ायदा है फैंसी वीडियो बनाने का जब रियलिटी तो चेक हुई ना। तो भाई ये तो इसके रहा माइक, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, नीचे इको लिखा हुआ है, सॉरी नीचे वॉल्यूम लिखा, ऊपर इको लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा घुमा दो, क्या करोगे यार घुमा के, इसे मत घुमाओ, इसे फीलिंग भी मत ले लेना, कोई हमारी आप किसी कैसे हिली हो तो ना, कहना है फीलिंग लेने के लिए नहीं, इसके अंदर करंट भी आ जाता है थोड़ा बहुत, इसे गलत जगह मत डाल लेना भाई, इसके सिग्नल ऐसे हैं तुम्हें भाई, सॉरी बहन, इसे गलत जगह ना डाल लें, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको इसका इस्तेमाल करना है माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ। दूसरी चीज़ है ये, नहीं आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या अश्लील बातें कर रहे हो, पर यार लोग ऐसा करते हैं, आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं, पागल लोग हैं इस दुनिया में बहुत सारे। इसके साथ भाई ये पीछे का माउंट मिलता है, जिसके अंदर कुछ खड़ा नहीं है, मतलब कुछ रखा नहीं होता, और ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो यहाँ अटका हुआ है बस, इसमें दो तरफ आपको मिल जाती है, क्या नाम इसका, फोम चढ़ा हुआ, फोम के नीचे कुछ नहीं, छोटा सा मैगनेट ही रखी है, इतनी सी मैगनेट रखी है, इसके अंदर एक कोइन की शेप जितनी, और क्या फिर वो कनेक्ट हो जाता है इससे,
और इससे कनेक्ट होकर ये टेबल क्लिप लग जाती है। अब हम टेबल माउंट की तरफ अगर चलते हैं तो भैया ये देखिए टेबल माउंट, टेबल माउंट के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम मिलता है, पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर करो, और जैसे कि आपको शिजुका दिखाई दे रही होगी तो शिजुका के हिसाब से ये माइक ऐसे काम करता है। चश्मे की तरफ मत देखो, मुझे चश्मा नहीं लगा हुआ यार, मैं बहुत देर तक काम करता हूँ, ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है ज़िंदगी में, इतना पढ़ना पड़ता है पता है तुम्हें। मेरी लाइफ ना बहुत सेट चल रही थी, मैं ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम सीख रहा था, तो ये सब कुछ ना उसी में से है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप सोच रहे होंगे पेंटिंग की कॉस्ट क्या है, मेरे भाई इस अकेली पेंटिंग की कॉस्ट ना 10,000 है जो ये रखी हुई है, 10,000। अब सोच के देखिए, और ये वाली पेंटिंग का ना मुझे ऑर्डर मिला था, और ये लाइन की पेंटिंग है बेसिकली, तो मैंने इस ऑर्डर को ना पूरा करने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ, एट द एंड टाइम पे बायर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, उसने कहा कि नहीं भाई आपको बहुत लेट हो रही है यार, एक बात समझने की कोशिश करो, आप ये कह रहे हो कि आपको लेट हो रही है, पर यार मेरी भी तो मजबूरी समझो, मैं बीटेक स्टूडेंट, बीटेक कर रहा हूँ भाई, सेकंड ईयर में पढ़ा हूँ, तो मैं बताता हूँ मेरी लाइफ चल रही थी बिल्कुल सेट, मैं सिंगल आदमी खुश था। तो फिर पापा ने कहा बेटे कि यार इतना बेरोजगार आदमी है, जबकि मैं उस समय पैसे कमा रहा था और आगे भी अच्छे तरीके से ऑर्डर लेके कमा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटे ये आर्ट वार्ट कुछ नहीं होती, तुझे बीटेक करनी पड़ेगी, कोई तुझे लड़की नहीं देगा। यार लोग नौकरी के लिए बीटेक करते हैं, मैं छोकरी के लिए बीटेक कर रहा हूँ, मतलब मेरी ऐसी ज़िंदगी है। सिंपली बताऊँ भाई, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करता हूँ, आई एम आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के साथ साथ मैं बुक्स भी लिखता हूँ। ये जो जितनी बुक्स देख रहे हो ना भाई पीछे रखी हैं, वो सारी नॉवल्स हैं, और सारी नॉवल्स तुम्हारे भाई ने लिखी हुई हैं, कभी ना कभी उन्हें पब्लिश भी करवा देंगे, पर मैं पब्लिश करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कंप्लीट सेट में पब्लिश हो, ऐसे नहीं यार मर मर के छोटी छोटी, पर वो नॉवल पर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। और कंटेंट क्रिएशन तो भाई देखो, अब मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ, यार मैं थोड़ा ना ज़्यादा डीप चला गया पॉडकास्टिंग, हे तो यहाँ से मैं से ना आपको सुना के दिखाता हूँ, अब मैं सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ, ये कहीं रिकॉर्डिंग आप तक ना पहुँच जाए, रिकॉर्डिंग भी लोग बहुत खतरनाक रिकॉर्ड कर रखा है मैंने। सो हम यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, हम फाइल पर जाके न्यू पर क्लिक करेंगे, और फिर हम यहाँ से रिकॉर्ड दबा देंगे। तो जिन्हें नहीं पता है सॉफ्टवेयर क्या है, ऑडेसिटी बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सारे सॉफ्टवेयर में से हम जो यूज़ करते हैं ब्लेंडर और क्रीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तू पागल थोड़ी है, तू पागल वागल है क्या, प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, तो क्रीटा और ब्लेंडर साथ में क्यों यूज़ करता है। भाई मैंने कहा था ना आपसे मैं मजे आदमी हूँ, क्रीटा जो है ना यार वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। मान लो आपको कुछ डिजिटल स्केचेस बनाने हैं ना, तो आप ना इसमें बना बहुत अच्छे से बना सकते हो, और मतलब अभी मैंने ये सब शुरू कम किया है यार, अभी मैं सिर्फ ऐसे बनाता हूँ जैसे कि चार्ट वार्ट पर, कभी कभी देख लेंगे इसे, मतलब एनिमेशन भी बढ़िया चलती है, तो भाई आर्टिस्ट एनिमेटर बड़े आराम से बन सकते हैं। तो ब्लेंडर क्या काम है, ब्लेंडर हैवी सॉफ्टवेयर है, इस हाले लैपटॉप में चलता नहीं, और चलता भी है ना तो एक घंटे से ज़्यादा आप ब्लेंडर को नहीं चला सकते, इसीलिए आपको इस क्रीटा का यूज़ करना पड़ता है ब्लेंडर छोड़ के। गिम फोटो एडिटिंग के लिए है, मुझे कुछ नहीं पता भाई, गिम का भी नहीं पता, एडोसिटी का भी नहीं पता, बस ये क्रीटा यूज़ करता, क्रीटा यूज़ करता हूँ, और बाकी तो कोडिंग के सारा सामान है यार, कोडिंग वोडिंग करने का, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, नोड जेएस, आई थिंक टेलवेंड सीएसएस और ये सब कुछ, पर भाई मैंने वेबसाइट वेबसाइट का काम थोड़ा ना शुरू नहीं किया यार, यार कॉलेज से समय नहीं मिलता यार सीखने का, साल इतना काम देते हैं कॉलेज वाले, मुझे कभी कभी लगता है मैं कोडिंग ही पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कोडिंग ही पार्ट टाइम करता हूँ, क्योंकि 6 में से 5 सब्जेक्ट तो दूसरे कोर्स के हैं, उनका हमसे कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, पता नहीं क्या दे रखा है, ह्यूमन वैल्यू पढ़वा रहे हैं मेरे, फिल्टर कैडे हो गए भाई साहब, ह्यूमन वैल्यू, मेरे से ह्यूमन वैल्यू का काम ही नहीं हुआ कुछ भी। और हाँ माइक बात है दोबारा से सॉरी, तो हाँ भाई मैं आपको इसका माइक का रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, चलो क्या गाऊँ, गाना गाऊँ क्या, चलो गाना गा के सुनाता हूँ आपको। अब देखो मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है यार, और वैसे भी आज मैं चीख चीख के थोड़ा पगला सा गया हूँ, चलो फिर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, जो मैं कहना सका। तो भाई ये मेरा गाना है, इतना ही अच्छा है, मुझे गाना नहीं आता है, और जिन्हें गाना बुरा लगा सॉरी भाई, रुक जा एक बार ही रुक जा बस। तो ये भाई मेरा गाना था, मैं ऐसे ही गाता हूँ, मतलब मैं गाता नहीं, मैं गायक नहीं हूँ यार, तुम लोग मुझे आर्टिस्ट हो, तुमने गायक बना दिया, देखो ट्रांसपेरेंसी देख रहे हो तुम वीडियो की,
कोई एडिटिंग नहीं, तुम्हारे भाई तो अच्छा गाना गाता है ना, एक्सपर्ट है। और ये देखो भाई, ह्यूमन वैल्यू में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई ना, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे से कुछ नहीं हो पाया, मैं बैठ गया, मैंने कहा भैंस की टांग इसकी डोरी मोन बनाते हैं। इससे गंदी ड्राइंग मेरे भाई मैंने ज़िंदगी में नहीं बनाई होगी। और जिन बंदों को ये लग रहा है ना भाई तुम्हारी आर्ट बुरी है, यार ये सब तो देखो, ईश्वर सिंह मेरी आर्ट बुरी है यार, सुनो वो आर्ट बुरी नहीं है, और ये तो एक साल पहले की आर्ट है भाई। और ये आर्ट भाई मैंने पता नहीं, ये फास्टिंग आर्ट है पता है क्या, जब मैं फास्ट रखता हूँ ना कभी भी, तो मैं पूरा दिन जैसे बिना कुछ खाए पिए रहते हैं, तो मैं वही काम करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता पीता। और उस चीज़ में डिस्ट्रक्शन होने के लिए मैं ऐसे चार्ट लगाता हूँ और भैया इसका आर्ट बनानी शुरू कर देता हूँ। तो जितनी भी आर्ट आपको दिख रही है ना बड़ी बड़ी, ये आर्ट एक दिन में बनी हुई है, ये वाली स्पेशली, क्योंकि उस टाइम देखो भैया था माता रानी का बर्थडे, और माता रानी के बर्थडे पे हम कुछ ना करें ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो हमने माता रानी के बर्थडे पर स्पेशली सारा दिन एक टांग पे खड़े होके, एक टांग पे खड़े होके ऐसा मुहावरा होता है, पर एक टांग पे खड़ा हुआ था, ये वाली चीज़ बनाई थी, मतलब बनाई थी। ताड़ी वाड़ी ज़्यादा लग रही यार, सही बताना, कोई कहीं कबीर सिंह तो नहीं लग रहा मैं आपको, कभी ऐसा लग रहा हो कि भाई कबीर सिंह आ गया, मेरे पास कबीर सिंह के चश्मे भी हैं यार, तो आप कह सकते हो कि भाई कबीर सिंह ना बनना होती मुझे, कबीर सिंह नहीं हुई यार मैं, ये मान लो यार, चलो कबीर सिंह समझ लो। चलो आपको गाना सुनाता हूँ, बाहर से आवाज़ तुम्हारी होगी, जल्दी सुनो सुनो सुनो, चल जा, अरे चल जा यार भाई, पागल पुगल हो गए तुम कुछ भाई, चल चल ना साला, ये अजीब बाबा सिर है, पागल वागल हो गया कुछ तुम, ओ भाई ये सब क्या है, स्टॉप फाइनली, अब प्ले करो। तो भाई ये मेरा गाना है, नहीं अच्छा है, मुझे गाना नहीं आता है, और जिन्हें गाना बुरा लगा सॉरी भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, एक बार ही रुक जा बस, पागल वागल हो गया कुछ तुम, पागल वागल हो गया कुछ तुम, भाई क्या हो रहा है, ओ भाई ये सब क्या, मेरी आवाज में मिमिक हो गई लगता है भाई, तुम चाहते पागल वागल हो गया कुछ तुम, ओ भाई ओ भाई बाबा सिर माइक आ रही, तो ये तो बाबा सिर माइक है, ये चल क्या रहा है भाई, हाँ यहाँ से चला, यहाँ से दीवाना हुआ मस्ताना, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, जो मैं कह ना सका। तो भाई ये मेरा गाना है, नहीं अच्छा है, मुझे गाना नहीं आता है, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, प्यार इकरार हुआ था, काट के चली गई, कबीर सिंह बना घूम रहा हूँ अपने दिल से। आज शायद कई साल हो गए जिंदगी के बारे, चलता है यार, आगे बढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है यार, हम लड़के हैं यार, हमें खुद खड़ा होना पड़ता है, हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होगा। अगर कोई लड़की रो रही होगी ना भाई, उसे चुप कराने वाले सो होंगे, लेकिन अगर एक लड़का रोता है ना, तो उसका मजाक उड़ाने वाले 100 खड़े हो जाते हैं। लड़के खुद लड़कों के दुश्मन है यार, लड़के खुद लड़कों को समझते हैं। साला एक आदमी सोशल लाइफ से बिल्कुल कट हो चुका है, और दुनिया कहती है कि भाई तो कुछ ना कुछ बड़ा करने में लगा पड़ा है, लगे पड़े। जिस इंसान को ना मेरे भाई, आई एम नॉट अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब मैं रिच क्लास से ही बिलोंग करता हूँ, पर भाई इतनी लालचीपंदी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब उसे किसी और का प्रपोजल आया नहीं, वो वेल सेटल था, मैं वेल सेटल नहीं था, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। और उस दिन मुझे पता चला ना भाई औकात क्या होती है, मैं खुद को रिच समझता था, मेरे पास सब कुछ है, बाइक वाइक जो भी होती है, पर भाई मैं तब समझा कि नौकरी की पावर क्या होती है, नौकरी उसको लूच हो, इतनी लालची लड़की मैंने ज़िंदगी में देखी, मतलब ही, और हर चीज़ खुद के लिए चाहिए उसे, सब कुछ खुद के लिए, हर चीज़ उसके फेवर में, वो जो चाहे वो, दूसरे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने भी ठान लिया कि यार ज़िंदगी में कुछ करना है ना, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, इतना इतना आगे जाना है ना, जब वो
दोबारा देखे ना मुझे, उसे उसकी औकात दिखाई दे, उसे पता चले कि उसने क्या छोड़ा, उसे वैल्यू समझ आए। हार्ड वर्क हर जगह से होता है भाई, एक जगह से नहीं होता है। मैं अगर आपको अपना सिर्फ भाई ये देखो, ये जितने भी इम्प्रूवमेंट है ना, प्लान्स सब कुछ है, ये प्लान्स ऐसे नहीं बनाए, मैंने खुद बुक लिखनी शुरू कर दी, मैंने बुक भर दी पूरी, ये बुक पूरी मैंने भर रखी है पूरी की पूरी। ये आपको डेडिकेशन चाहिए अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, ये आपको डेडिकेशन चाहिए। पूरी बुक मैंने खुद लिखी है भाई, हर एक चीज़, परफॉर्मेंस, डिजायर, एडवाइसेस क्या होती है, आगे कैसे बढ़ना है, लड़ना कैसे है, जीतना कैसे है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस प्लान क्या होते हैं, हर एक चीज़। और फाइनली ये वेब सब कुछ लिखा मैंने इसके अंदर जितना लिख सकता था, बिजनेस फ्रेंचाइजेस, बिजनेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और कभी ना कभी ये चैनल अपना खुद का शुरू करूँगा ताकि समझा सकूँ लोगों को कि ये वुमेंस क्यों इतनी कम वक्त होती हैं, दुनिया को पता चले कि यार इतनी गलत, इतना क्या नाम क्या होता है इनके अंदर। भाई कितने हो गए, 2 साल 3 जितने साल हो गए, तुम्हारे भाई ने ना एक लड़की की तरफ नहीं देखा। जब भी किसी लड़की की तरफ देखता हूँ ना, मुझे वही नीच लड़की नज़र आती है, वही गंदी लड़की नज़र आती है। और इसी वजह से ना भाई मेरी एक थिंकिंग बन गई कि इस दुनिया में हर लड़की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा, सिवाय तुम्हारी माँ और बहनों को। मेरी माँ और बहनें जितनी भी मुझे भाई बोलते हैं उन्हें छोड़ के मैंने एक बात समझ ली, लड़कियाँ कम पखत हैं और इनसे दूर रहना सही है। एक ही लड़की है, मैंने कह दे भाई मेरे पास ना ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, आई बिलोंग फ्रॉम अ राजपूत कम्युनिटी, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। तो वो बंदी राजपूत नहीं थी, थोड़ी नीची कम्युनिटी से, तो भाई मैंने सोचा कि भाई प्यार व्यार है, मैंने उसे कभी छुआ नहीं, कभी अपवित्र नहीं किया, वो खुद अपवित्र थी पर मैंने उसे कभी अपवित्र नहीं किया। और जब समय आया, उसने माँ ने तो कहा था बेटे ये श्री राजपूत खून है, ये डायन तक को हजम नहीं होता, हर कोई राजपूत खून को नहीं झेल सकता, नहीं समझ सकता, और ये शान हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर मैंने कहा नहीं जी, आप गलत हो, आप बिल्कुल गलत हो, आपको पता नहीं, यू आर अ रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, ब्लडीसिस्ट, सब कुछ बोल दिया। और फिर फाइनली जब वो सही निकले ना, उन्होंने मुझे कहा कि चल एक काम कर, हाँ मेरा नाम प्रिंस है ना जी, कितना बड़ा चाहिए? इतना बड़ा मेरे पास तो ये प्लास है, मेरे पास तो ये प्लास है, प्लास तो देता हूँ आपको भाई। बस उसके बाद से ना तुम्हारे भाई ने इतनी मेहनत किया है ना, इतना हार्ड वर्क किया है ना, 1 साल लग गया भाई मुझे रिकवर होने में, 1 साल लग गया रिकवर होने में। मेरी हालत हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ पता नहीं चलता था, टूट सा गया मैं। और उस दिन क्या था, ये माँ से मैंने एक वादा भी किया था, मैंने कहा था अगर इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, अगर इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, मैं आज के बाद कभी किसी लड़की से किसी भी तरीके की बात नहीं करूँगा, आप जिस लड़की को पसंद करोगे उसी से शादी वादी कर लूँगा। और आज तुम्हारा भाई 1-2 साल से किसी लड़की को नहीं देखा, जो लड़की ये लाएंगे वो पसंद कर लेंगे। यार इंसान का प्यार से भरोसा उड़ जाता है, थैंक्स टू हर मैं भी आज हर लड़की की औकात देख पाया। तो भाई बाद में मिलते हैं यार, ये रहा माइक का रिव्यू, ऐसे थोड़ा इमोशनल नहीं होना चाहिए, पर जो भी है माइक वाइक ये है, इसके बाद हम कैमरे का रिव्यू करेंगे, फिर कोई दूसरा जो भी है कर देंगे रिव्यू, जो भी है। रिव्यू का चैनल नहीं, वैसे ये टेक चैनल है, तो वैसे टेक चैनल के लिए ये माइक खरीदा है। पहले मेरे पास दूसरे माइक भी थे, जैसे कि ये माइक है, एक ये माइक है, इसके अलावा एक छोटा सा दूसरा माइक है, XDR माइक सब अच्छा नहीं होता, आपको दिखा देता हूँ। XDR माइक का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, दिस इज द माइक। तो माइक की अगर आपको बात जाननी है तो मैं बता दूंगा USB माइक में, और ये जो प्लग वाले माइक होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है सारा बाद में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल ना ये डंबल मैंने खुद ही बनाया, और मुझे ज़्यादा परचेज करना पसंद नहीं है चीज़ें, हालांकि इतना सामान रखने के बाद ये आर्ट का भी टाइम नहीं मिलता तुम्हारे भाई। तो भाई तो बाद में मिलता हूँ यार। और हाँ एक और बात बता दूँ, अपने इंस्टाग्राम पे 70K व्यूज़ हैं, फॉलोवर नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं यार बाद में। Oh, 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 oh